हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? में जे जे आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे चैनल जे जे ब्लॉग एंड फूड में। तो मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ खाना। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने लेट बनाया खाना क्योंकि बाहर काम कर रहे हैं एक लोग है, उनके लिए मुझे बनाना है खाना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा देर से बनाऊँ। मॉर्निंग में आलू पीटी का भात, आलू बॉइल और चावल थोड़ा थोड़ा खाए थे हम सब ने, ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं बना रही हूँ खाना, दिखाऊंगी क्या क्या बनाती हूँ। और ये देखिए चटनी, उसकी मिर्ची वाला मुझे बहुत पसंद है गाइस, मिर्ची वाला सलाद धनिया के साथ बनाऊंगी। और क्या क्या बनाऊंगी, दाल ऑलरेडी मैंने बना लिया है और उधर मैं बना रही हूँ फिश। तो मैं खाना बना रही हूँ दोस्तों, फिश बनाऊंगी। दोपहर का टाइम है, 1 बज गए है गाइस। आज देर से बनाया तो मैं उधर देती हूँ टमेटो, टमेटो के साथ फिश बनाती हूँ उनका, तो आप पता है गाइस। पहले मैं भी फिश खाती थी लेकिन अभी नहीं खाती, अभी मैं शाकाहारी बन गई हूँ और मेरे लिए अलग से सब्जी बनाया है। इधर मेरा दाल हो गई दोस्तों, दाल में चावल हो गई, इधर मैंने फिश रखा है, देखिए फिश रखा है 3 जनों के लिए। और बनाऊंगी सलाद, तो दिखाऊंगी क्या क्या बनाती हूँ आप लोगों को। तो पानी एक दोस्त का रिक्वेस्ट आया था साड़ी में बिना पिन मारे ब्लॉग बनाओ, तो मैंने नहीं मारा, आज ऐसे ही ले लिया साड़ी। और ये लाल साड़ी, आज लाल साड़ी ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। तो मेरा खाना भी हो जाता है आप लोगों से बातें करते करते दोस्तों। कल उनको मुझे जाना होगा किसी के घर, दिखाऊंगी क्या जाऊँगी आप लोगों। फूल गोभी बना रही हूँ भैया, करी और दाल सलाद हो जाएगा, यही होगा आज के खाने में। उम्र कभी नहीं रोकती दोस्तों, बहुत लोगों ने बोला है उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। मैं ज़्यादा साड़ी ब्लॉग बनाती हूँ दोस्तों, साड़ी में मुझे ब्लॉग बनाना होता है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है साड़ी में ही ब्लॉग बनाओ। कभी कभी नाइटी में भी बनाती हूँ और अच्छा लगा आप लोगों को, पसंद आया मेरा ब्लॉग। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं उम्र हो गई है, ऐसा काम मत करो, ऐसा मत करो। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, उम्र कभी किसी को रुक सकता है क्या? आप लोगों की उम्र नहीं बढ़ेंगे। सोच समझ कर एक औरत से अगर बात करना हो तो सोच समझ कर करना चाहिए। मैं सिर्फ रील्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, गंदा काम नहीं करती, ये आप लोग जान लो। तो कुछ रील्स का ट्रेंडिंग साउंड होता है, जैसे मेरा नंबर शेयर किया है आप लोगों को, मिला क्या? आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, मेरा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ ट्रेंडिंग साउंड होता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं होता मैं किसी को नंबर सेंड करती हूँ, किसी से बात करती हूँ, सिर्फ ट्रेंडिंग साउंड है वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप लोगों को तमीज सीखना चाहिए। ज़्यादातर असमिस जो फ्रेंड्स है वो मुझे इसे कमेंट करते हैं। आप लोगों को अगर मुझे लेकर शर्म आती है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मत देखो ना, ये भी एक बात होती है, आप लोग मत देखो मेरा वीडियो, अवॉइड कर दो। आते क्यों हो अगर मैंने किसी को फॉलो बैक नहीं दिया? आप लोग मैसेज करते हो, मैं अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं देती, आप लोग आ जाते हो ऐसा कमेंट करने के लिए? शर्म मुझे नहीं, आपको आना चाहिए जिसने ऐसा कमेंट किया। मैं काम करती हूँ दोस्तों, मुझे करना है लाइफ में, जब तक जिंदा हूँ खुद को बिजी रखती हूँ, चाहे सक्सेस हो या ना हो। मैंने सक्सेस होने के लिए ये नहीं किया, मैंने सिर्फ किया खुद को बिजी रखने के लिए। तो कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना, खुद के बारे में देख लेना, आप लोग ही हो जो गंदा कमेंट करते हो। खाना भी बना रही हूँ और सफाई भी कर रही हूँ दोस्तों, जितनी बार खाना बनाती हूँ उतनी बार किचन गंदा हो जाता है, ऐसे ही होता है, तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ना।
लोग एक औरत हूँ, मुझे भी पता है मुझे कैसे काम करना है क्या करना है, घर को संभालती हूँ, खुद को बिजी रखती हूँ यूट्यूब में इंस्टा में, तो गलत क्या किया मैंने बोलो। हर इंसान चाहता है ज़िंदगी में कुछ काम करना, हर इंसान चाहता है वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा करे जो वो सफल हो जाए। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वो ही चमकता है, इसलिए मेहनत से ना डरो। कुछ काम करने के लिए पागलपन होना चाहिए दोस्तों, लोग बोलते हैं ये पागल हो गई है, हाँ कुछ करना है करके दिखाना है। तो जब तक मेरा खाना रेडी हो जाए तब तक दिखाते हैं बाहर का नजारा। आज बहुत धूप है गाइस, क्या क्या काम हो रही है बाहर, चले देखते। ये बाहर का नजारा है दोस्तों, देखो आज मैंने क्या किया, ये देखिए, ये केले का जो पेड़ होता है ना उस पर बनती है कलाखार, तो मैंने भी ये मॉर्निंग में इसे काट कर इसे रख दिया सूखने के लिए दोस्तों, इससे खार बनाऊंगी और बहुत हेल्दी भी होता है। तो बहुत सारा काम होता है दोस्तों, थक जाती हूँ मॉर्निंग से, और ढेर सारा कपड़ा भी मैंने धो लिया, और देखो मेरे फ्लावर्स का क्या हालत कर दिया बकरी ने, सारा फ्लावर्स मेरा ख़राब हो गया, सब बकरी ने खा लिया, इधर भी मनी प्लांट का हालत ख़राब है। चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरा खाना तो हो गया है, मैंने बना लिया है ये धनिया का चटनी, मिर्ची वाला, बहुत ज़्यादा मिर्ची दिया है, तो हो गई है। मैंने दाल बनाया, फिश बनाया, ये गोभी की सब्जी, और इधर देखिए फिश बन रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये छोटा सा ब्लॉग यही एंड करती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, अगर पसंद आया लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलूंगी बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच।